सप्तम अध्याय अद्भुत अवतार श्री साई बाबा प्रकृति और तांकर योगक्रिया सर्वव्यापकता कुष्ठ रोगी सेवा कपरदे पुत्र र प्लेग रोग पंडरपुर यात्रा अद्भुत अवतार श्री साई बाबा समस्त योगक्रियार पारदर्शी थे छ प्रकार क्रियार से अधिकारी थे यही मध्य विशेष क्रिया होउची धौती जहाँ 3 इंच प्रस्त और 22.5 फुट लंबर गोटे ओदाकना को पेट भितरे पुराई सफा करिबा क्रिया खंड योग शरीर अवयव गुड़ी को पृथक पृथक करी पुणी पूर्ववत जोड़ीबा एवं समाधि आदि अंतर्भुक्त जदि बाबा को हिंदू बोली कह जाए ताहले स्वरूपरु से मुसलमान भले जना पड़ुथिले तेणु केही भी ठीक करी कही पारु नथिले से हिंदू ना मुसलमान मुसलमान मानंक रामनवमी उत्सव से जताबित पालन करुथिले एहा सहित मुसलमान मानंक चंदन उत्सव उत्सव रे अंश ग्रहण करथिबा मल्लजोधा मानंकु से प्रोत्साहित करुथिले एवं विजेता मानंकु पुरस्कृत करुथिले गोकुलाष्टमी दिन गोपाल कला उत्सव धूमधाम सहकारे पालन करुथिले ईद दिन मुसलमान मानंकु नमाज पढ़ीबा पई मस्जिद को निमंत्रण करुथिले थरे महरम रे मुसलमान माने मस्जिद रे चादर स्थापन तथा किछि दिन ताजिया को सेठारे रखी पुणी शोभा यात्रा करी ग्रामरो बाहर को कार्यक्रम कले बाहरिबार श्री साई बाबा 4 दिन ताजिया रखिबा को अनुमति देले ओ पंचम दिन कौनसी विदेश बिना ताजिया को हटाई देले जदि तांको मुसलमान कहा जाए हिंदू प्रथा अनुसार तांकर कर्णवेद होइथिला आउ जदि हिंदू कहिबा ताहाले से सुन्नत करिबा सपक्षरे थिले नाना साहेब चंदरकर जिए तांग बाबा को अति निकटरु देखिछंती बाबांकर सुन्नत होइनथिबा प्रकाश करिछंती भीवी देवंकर रचना बाबा हिंदू ना जवन शाइला पृष्ठा 562 द्रष्टव्य जदि किए तांकु हिंदू बोली कहे ताहले सीए तो सर्वदा मस्जिद रे अवस्थान करुथिले एवं केही जदि मुसलमान बोली कहे ताहले से सर्वदा धूनीजाली रहुथिले एहा सहित अन्यान्य कर्म जहाँ सबू इस्लाम धर्मर विरोधी यथा चकी पेशिबा शंख और घंटनाद होम आदि कर्म करिबा अन्नदान एवं अर्घ द्वारा पूजन सर्वदा सेठारे चालुथला जदि तांको जवन कहे कुलीन ब्राह्मण और अग्निहोत्री माने मध्य सेमानंकर नियम उल्लंघन करी तांको सृष्टांग प्रणिपात करुथिले किए जदि व्यक्तिगत विषय पचारिबाको जाइछि आश्चर्यजनक भावे ताहा तार मनरु विस्मित होई जाउथिला एवं तांकर दर्शन मात्र के से विमोहित होई उठुथिला एणु वास्तवरे केही एहार कौनसी निर्णय करिपारुनथिले जे प्रकृतरे बाबा हिंदू कि जवन एथिरे आश्चर्य हेबार कौन अछि जे अहं एवं इंद्रिय जनित सुख को जलांजलि दे ईश्वरंक शरण रे चली जाए तथा जेतेबेले तांकर ईश्वरंकर सह अभिन्नता प्राप्त हुए सेतेबेले तांकर कौनसी जाति धर्म रहे नाही श्री साई बाबा एही श्रेणी रथिले से जाति एवं प्राणी मानंक मध्यरे कौनसी भेदभाव देखु नथिले फकीर मानंक सहित से आमिष ओ माछ भोजन करुथिले कुकुर मध्य तांकर भोजन पात्र रे मुह दे आराम रे तांक सह खाई पारुथिला एहिपरि श्री साई बाबांकर अपूर्व कथा अद्भुत अवतार थिला गत जन्म शुभ संस्कार फलस्वरूप मते मध्य तांकर चरण रे बसिबार एवं तांकर सत्संग लाभ करिबार सौभाग्य प्राप्त हला मोर जेउपरि आनंद और सुख प्राप्त अनुभव होइछि ताहा मु किपरि वर्णना करिबि यथार्थ रूपरे बाबा अखंड सच्चिदानंद थिले तांकर महानता एवं अद्वितीयतार किए वर्णना करिपारिबो जिए तांकर चरण कमलर
शरण नहीं से आत्मसाक्षात्कार लाभ करिछि। अनेक सन्यासी साधक और मुमुक्षुजन साई बाबा पाख को आसुथिले। बाबा मध्य सेमानंक सहित मिसुथिले, बसुथिले एवं वार्तालाप करी सेमानंकर मनोरंजन करुथिले। अल्लाह मालिक सर्वदा तांको कंठरे विराजमान थिला। से केबे भी विवाद एवं मतभेदरे पशुनथिले एवं सर्वदा शांत और स्थिर रहुथिले। अवश्य बेले बेले से क्रोधित होई उठुथिले। से सर्वदा वेदांतर शिक्षा देउथिले। केही मध्य शेष पर्यंत जानिपारि नथिले जे प्रकृतरे साई बाबा किए थिले। धनी और गरीब उभय तांका लागि समान थिले। सेमानं लोकमानंकर गुढ़ कथा सबु जानिपारुथिले। आ जेतेबेले सेमानंकर आगरे ताहा प्रकट करुथिले तांकर विस्मयर सीमा रहुनथिला। स्वयं ज्ञानवतार होइथिले मध्य से अज्ञानता प्रदर्शन करुथिले। आदर अभ्यर्थना प्रति तांकर सर्वदा अरुचि थिला। श्री साई बाबांकर एहिपरि वैशिष्ट्य थिला। से शरीरधारी होइथिले मध्य कर्मरु तांकर ऐश्वरिक शक्ति स्पष्ट झलसि उठुथिला। श्रीडीर समस्त नरनारी तांकु परब्रह्म रूपरे मानु। साई बाबांक लीला मो परि एक मूर्ख श्री साई बाबांकर लीलागुडिक किपरि वर्णना करिपारिबो। श्रीडीर प्रायतः समस्त मंदिर र से जीर्णोद्धार करिथिले। तात्या पाटिल द्वारा शनि गणपति शंकर पार्वती ग्राम्य देवता एवं हनुमान मंदिर मरामति करागला। बाबांकर दान मध्य विलक्षण थिला। दक्षिण भावरे जहाँ आय होउथला सेथिरु से कहाकु 20 टंका, कहाकु 15 टंका, कहाकु 50 टंका प्रतिदिन स्वेच्छापूर्वक दान करुथिले। प्राप्तिकर्ता एहाकु सुदान मने करुथिला। बाबांकर मध्य सर्वदा एही इच्छा थिला जे उपयुक्त मार्गरे तांकर खर्च करा जाउ। बाबांकर दर्शन द्वारा भक्तमानंकर अनेक प्रकार लाभ होउथला। अनेक निष्कपट और सुस्थ होउथिले। दुष्टात्मा पुण्यात्मारे परिणत होउथला। कुष्ठ रोगीरु अनेक मुक्त हेले एवं अनेक मनोकामना पूर्ण हला। पंगुर अकर्मण्य दूर होई सक्षम हला। एहिपरि भावरे तांकर कित्ति दूर दूरांत को व्यापीबाकु लागिला। एवं सेही सबु स्थानरु असंख्य लोक शिरिडी को आसीबारे लागिले। बाबा सर्वदा धोनी पाखरे आसन पकाई बसी रहुथिले एवं सेठारे विश्राम करुथिले। से केबे स्नान करुथिले ओ केबे स्नान न करी समाधिरे विलीन रहुथिले। मस्तकरे शिरोपा कीटदेशरे धोती एवं देह आवरण पई एक अंगरक्षा धारण करुथिले। प्रथमरु ही तांकर वेशचर्या एही प्रकार थिला। जीवनर पूर्वार्धरे से ग्रामरे चिकित्सा सेवा करुथिले। रोगर निदार करी औषध देउथिले। तांका हातरे जादुकरी शक्ति थिला। तेणु अल्प दिन मध्यरे जणे यशस्वी चिकित्सक भाबरे सुनाम अर्जन कले। एठारे केवल गोटिए घटना वर्णना करा जाइछि जहाकि अत्यंत विचित्र विलक्षण नेत्र चिकित्सा। जणे भक्तंकर आखि बहुत लाल होइ जाइथिला आ फुली जाइथिला। सिरिडी भली क्षुद्र ग्रामरे डाक्तर मिलिबे केउठु? भक्तमाने रोगींकु बाबांक सम्मुखकु नेले। एही प्रकार रोगर क्षेत्ररे डाक्तर प्रायतः मलम अंजन गोदुग्ध तथा कर्पूरयुक्त औषध देइथांति। किंतु बाबांकर औषध सर्वदा भिन्न थिला। भालिया मंजी गुंड करी दुईटी गुला कले ओ रोगीर आखिरे गोटे गुला लगाई कनापट्टी बांधिदेले। परदिन पट्टी काढ़ी पानी छट दियागला। एहा परे फुला कमीगला एवं आखि प्रायतः निरोग होइगला। आखि शरीर एक सुकोमल अंग। किंतु बाबांक औषधरु किछि क्षति हेला नहीं, बरं आखि पीड़ा दूर होइगला। एही प्रकार अनेक रोगी निरोग होइथिले। एठारे त उदाहरण स्वरूप गोटिए घटना वर्णना करागला। बाबांकर योगक्रिया। बाबा समस्त प्रकार योगक्रियार अधिकारी थिले। एथिरु केवल दुईटी उल्लेख एठारे करा जाइछि। धौतिक क्रिया प्रति दुई तीन दिन रे थरे
ରେ ବାବା ମସଜିଦ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦୂରକୁ ଏକ ବଟବୃକ୍ଷ ତଳେ ଏହି କ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତଃବୁଜୁଳା ଉଦାରରୁ ବାହାର କରି ତାହାକୁ ଚାରିପଟୁ ସଫା କଲେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ଶୁଖିବାକୁ ରଖିଦେଲେ। ଶିରିଡ଼ିରେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିଥିବା ଲୋକ ଏବେ ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏହି କଥାର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଧୋତିକ୍ରିୟା 3 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ 22.5 ଫୁଟ ଲମ୍ବର ଏକ ଓଦା କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯାଏ। ଏହି କପଡ଼ାକୁ ପାଟି ଦେଇ ପେଟ ଯାଏ ପୁରାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହିପରି ରଖାଯାଏ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବାହାରକୁ କାଢ଼ି ଅଣାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ଧୋତିକ୍ରିୟା ବିଚିତ୍ର ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଥିଲା। ଖଣ୍ଡଯୋଗ ଦିନେ ବାବା ତାଙ୍କର ଶରୀରର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବୟବଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ କରି ମସଜିଦ୍ର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଲେ। ଅକସ୍ମାତ୍ ସେହିଦିନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମସଜିଦ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ସେଠି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ସେ ମନରେ ଭାବିନେଲେ କି ବାବାଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକାଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେଠାରୁ ଫେରି ଗ୍ରାମ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଖବର ଦେବା ଲୋକ ହିଁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିବ, ଏକଥା ପୁଣି ମନ ଭିତରେ ଆସିବାରୁ ସେ ନୀରବ ରହିଗଲେ। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମସଜିଦକୁ ଗଲେ ପୂର୍ବବତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ଦେଖି ତାଙ୍କର ବିସ୍ମୟର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ପୂର୍ବଦିନ ସେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ତାହା କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ବାବା ବାଲ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ହିଁ ଯୋଗକ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା ତାହାର ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ନଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ନାମରେ ସେ କେବେ କାହାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପଇସା ନେଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏପରି ଲୋକବତ୍ସଳ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଅନେକ ଗରିବ ଓ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଚିକିତ୍ସକ ଏହି ମହାପୁରୁଷ ଜଣକ କେବେ ବି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ଅନେକ ବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ତଥା ନିଜେ ଅସହ୍ୟ ବେଦନା ଏବଂ କଷ୍ଟ ସହି ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବିପତ୍ତିରେ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ। ସର୍ବଦା ପରର କଲ୍ୟାଣ ନିମିତ୍ତ ସେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ନିମ୍ନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ଏବଂ ଏ ମହାନ ଦୟାଳୁ ଭାବର ପରିଚୟ ଦିଏ। ବାବାଙ୍କ ସର୍ବବ୍ୟାପକତା ଏବଂ ଦୟାଭାବ। 1910 ମସିହାରେ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭ ଅବସରରେ ବାବା ଧୂନିରେ ପାଖରେ ବସି ଅଗ୍ନିତାପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଧୂନିରେ କାଠଖଣ୍ଡମାନ ପକାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ଧୂନି ଜୋରରେ ଜଳୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କାଠ ପକାଇବା ବଦଳରେ ନିଜର ହାତ ଧୂନିରେ ପୁରାଇଦେଲେ। ହାତ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପାଖରେ ଥିବା ସହାୟକ ମାଧବ ଏବଂ ମାଧବରାଓ ଦେଶପାଣ୍ଡେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ବାବାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ଆଣିଲେ। ମାଧବରାଓ କହିଲେ, ହେ ଦେବ, ଆପଣ ଏ କ'ଣ କଲେ? ବାବା ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ କହିଲେ, କିଛି ଦୂରରେ ଜଣେ କମାର ପତ୍ନୀ ଯେତେବେଳେ ଚୁଲି ଜଳାଉଥିଲା ତାର ସ୍ୱାମୀର ଡାକ ଶୁଣି ହଠାତ୍ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଅଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ତାର ଶିଶୁଟି ଚୁଲି ଭିତରେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହାତ ପୁରାଇ ଶିଶୁଟିର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲି। ମୋର ହାତ ପୋଡ଼ିଯିବାର କୌଣସି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ନିରୀହ ଶିଶୁର ଜୀବନ ଯେ ରହିଗଲା ଏହା ମୋତେ ଅତୀବ ସନ୍ତୋଷ ଦେଇଛି। କୁଷ୍ଠରୋଗୀର ସେବା। ମାଧବ ରାଓ ଦେଶପାଣ୍ଡେ ଓ ଶ୍ୟାମାଙ୍କ ଠାରୁ ବାବାଙ୍କର ହାତ ଦୁଗ୍ଧୀଭୂତ ହେବା ଖବର ପାଇ ନାନା ସାହେବ ଚନ୍ଦରକର ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡାକ୍ତର ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଔଷଧ ପ୍ରଲେପ ପଟି ଆଦି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଶିରିଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ତଥା କ୍ଷତସ୍ଥାନରେ ଔଷଧ ଲଗାଇବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲେ। କୁଷ୍ଠ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ
भक्त भागजी सिंदे क्षत स्थान रे पट्टी बांधि देउथिले। तांकर कार्य थिला प्रतिदिन पोड़ी जाइथिबा स्थान रे घी मैलम करिबा एवं ताहा उपरे एक पत्र रखी पट्टी बांधि दबा। घा शीघ्र भल होइजिबा आशारे नाना साहेब चंदरकर पट्टी को हटाई दे डाक्टर परमानंदक द्वारा चिकित्सा कराइबा पई बाबा को अनुनय विनय कले। एहिपरि डाक्टर परमानंद मध्य अनेक थर प्रार्थना कले, किंतु बाबा सेमानंकर अनुरोध को एड़ाई दे कहिले अल्लाह ही मोर डाक्टर। हाथर परीक्षा करने को मध्य से आग्राह्य करदे। डाक्टर परमानंदर औषध पेढ़ी शिरीर वायुमंडल खोल जाए पारिला नाही कि ताहार व्यवहार हो पारिला नाही। तथापि डाक्टर जनकर परम सौभाग्य थिला जो कारण से बाबा दर्शन लाभ सुजोग पाइले। भागजी को औषध लगवाक अनुमति मिलला। किछि दिन परे जेतेबेले घा ठीक होइगला समस्त भक्त सुखी होइगले, किंतु आहुरी किछि पीड़ा बाकी रहिछि कि नाही ताहा केही जानि नथिले। प्रतिदिन घी रे हाथ मालिश होता एवं पुणी कसिकरी पट्टी बांधिबा एही कार्य श्री साई बाबा समाधि पर्यंत प्रत्यह चलता। श्री साई बाबा परी पूर्ण सिद्ध को एहीपरि चिकित्सार कौन सी आवश्यकता नथिला, किंतु भक्तर प्रेम बसरे से भागजी एही सेवा निर्विघ्न स्वीकार करथिले। जेतेबेले बाबा लेंडी को जाउथिले भागजी छता धरी तांको सह जाउथिले। प्रतिदिन सकाळे जेतेबेले बाबा झुन्नी पाखरे विराजमान करुथिले भागजी सेठारे प्रथमरु उपस्थित रही निजर कार्य आरंभ करि देउथिले। भागजी पूर्व जन्मरे अनेक पाप कर्म करिथिले, एही कारणरु से कुष्ठ रोगरे पीड़ा पीड़ित थिले। तांकर आंगुली नष्ट होई जायथिला एवं शरीर पोकमाछिरे भर्ती होई उत्कट दग्ध गंध जात होउथिला। जदियो बाह्य दृष्टि रे से दुर्भागा प्रतीत होउथिले, बाबांकर प्रधान सेवक होइथिबा कारणरु से ही प्रकृतरे अधिक भाग्यशाली तथा सुखी थिले। बाबांकर सानिध्य से पूर्ण मात्रा रे लाभ करिथिले। बालक खपरदे प्लेग रोग एबे बाबांकर आउ एक अद्भुत लीला वर्णना करुछि। अमरावती रो दादा साहेब खपरदे पत्नी श्रीमद खपरदे तांकर शिशुपुत्र सहित शिरीडी रे थिले। एही समय रे पुत्र को ज्वर हला ओ तापरे से प्लेग रे आक्रांत होइगले। श्रीमती खपरदे छानिया होई विव्रत जना पड़िले एवं अमरावती फेरी जीवा को स्थिर कले। संध्यारे जितेबेले बाबा वायु सेवन पाई वाड़ा एक समाधि मंदिर अभिमुखे आसुथिले सेतेबेले बाबा को शिरीडी छाड़ीबा को अनुमति भिक्षा करी थरिला कंठरे से कहिले जे तांकर पुत्र प्लेग रोगाक्रांत होइछि, एणु से घर को फेरी जीवा को चाहूछंती। बड़ हालुका भावरे बाबा एहार समाधान करी कहिले आकाशरे एबे मेघ ढांकिछि, ताहा हटिबा परे आकाश पुणी स्वच्छ होइजिव। एहा कहि से कटी देश पर्यंत कफिन उठाई देले ओ उपस्थित भक्तमानंकु अंडाकृतिर चारोटी बथ देखाई कहिले देख भक्तमानंक पाई मते केते कष्ट सह्य करिबाक पडुछि, सेमानंकर कष्ट मोर अटे। एही विचित्र तथा असाधारण लीला देखि लोकंक मनरे विश्वास हला जे संथंको तांकर भक्तंक पाई केते कष्ट सह्य करिबाक पडुछि। संथंक हृदय महम ठारु मध्य तरल तथा लघुणी सदृश कोमल अटे। सेमाने निस्वार्थपर भावरे भक्तमानंकु प्रेम करंती एवं निजर संपर्कीय विचार करंती। पंडरपुरर यात्रा ओ निवास बाबा तांकर भक्तमानंकु केते प्रेम करुथिले ओ केउं परि सेमानंकर समस्त इच्छा तथा खबर को पूर्वरु ही जानि पारुथिले ताहा वर्णना करी एही अध्याय समाप्त करुछि।
नाना साहेब चंदरकर बाबांकर जणे परम भक्त थिले। से खान देशर मामलतदार थिले। तांकर पंडरपुर को बदली हेला तथा श्री साई बाबा प्रति तांकर भक्ति एहिपरि फलदायी हेला। पंडरपुर को मर्त्यर वैकुंठ बोली मने करा जाए। चंदरकर एथिरे बड़ खुशी होई शीघ्र नूतन दायित्व ग्रहण करिवाकु बाहरिले ओ जीवा पूर्वरु बाबांकर दर्शन और आशीर्वाद निमित्त शिरडी गले। शिरडी को से पंडरपुर और बाबांको तांकर बिठवा मने करुथिले। जहाँ भी हो बदलीर सूचना से काहाकु देइनथिले एवं यथाशीघ्र शिरडी पहुँची बाबांक आशीर्वाद नहीं पंडरपुर यात्रा करिवाकु स्थिर करिथिले। मात्र बाबांक पाखरे कौन लुचि रहिब सी तो सर्वज्ञ। जेमिति नाना साहेब शिरडीर अनति दूर निमगांव पाखापाखी होईछंती बाबा एही समयरे महल सापति आप्पा सिंधे और काशीराम सहित द्वारिका माईरे वार्तालाप करुथिले। हठात नीरवता खेलीगला एवं बाबा कहिले आस चारिजण मिसि भजन बोलिबा। पंडरपुरर द्वारा द्वार खोली जाई छी प्रेम पूर्वक एही भजन गाइबा। भजनटीर भावार्थ एहिपरि मती पंडरपुर जाई सेठारे रहिबाकु हेबो काहिंकि ना तार ताहा मोर प्रभु निवास। बाबा गाइला बेळकु लागिला गाइबाकु लागिले ओ समस्ते तांको सहित स्वर मिलाइले। किछि समय मध्यरे नाना साहेब सपरिवार समस्त सेठारे पहुँची बाबांकु प्रणाम कले। से बाबांकु पंडरपुर यात्रा तथा सेठारे रहिबा निमित्त अनुमति भिक्षा कले। पाठकगण एबे देखंतु एही प्रार्थनार किछि आवश्यकता थिला। भक्तगण नाना साहेब को कहिले कि बाबा पंडरपुर निवास कथा आगरु कहि सारि थिले। एहा सुनि नाना साहेब विह्वलित होइ बाबांक श्रीचरणरे लोटि पड़िले तथा बाबांक अनुमति ओ उदी ओ एवं आशीर्वाद नहीं पंडरपुर यात्रा कले। बाबांक लीला अनंत। अन्य विषय यथा मानव जन्मर महत्व बाबांक भिक्षावृत्ति द्वारा जीवन निर्वाह बाईजाबाई सेवा आदि कथा परवर्ती अध्याय पाई रखी एबे मु विश्राम नेउछि। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभं भवतु। सप्तम अध्याय संपूर्णम्।